ਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਲਦਾ मगर एक जज्बा सी इस्लाम का कि इस्लामी मुल्क बनाना ये मुसलमान का मुल्क बनाना ते कलमे ने ना ते बनाना जो बार नारे मारी दे सी ना परेटा जो रात करी दिया सी ते नारा ये ही मारी दा सी कि पाकिस्तान बनाएंगे सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जमीन ते सौंदी रही सारी उम्र कि मेरे जड़े बेटे वो जमीन ते ही गए वो कभी मंजी ते आज तक सुते ही नहीं सी उन कई दसी कहंदी नहीं मेरे बेटे लाल मेरी जमीन ते जिस मां दे चार लाल ए बयान कर दे मेरा गला कुटे जांदा जदों मेरा वाजा भरा आखा गया ने ते मेरा गला कुटे जाते अखा के उन्होंने मैं शहादत ही नहीं देख सकता अच्छा ते जेदी मां ने कहा है मेरी तीज ना कुछ कही उन्हें उन कुर्बान मारी है उदा पेट चा करता है जे किसी प्यो ने फड़िया उन्हें भी उथे मारता है तो उन सब लोग सहम गए कुरान पाक कढ़ लै पढ़ना शुरू करता सी भी अज कोई दस पंद्रह कुड़ियां दे मेरे सामने खिंच के लै गए ने चीकां मार दियां खिंच खुच के लै गए ने क्योंकि जो पिछे गए सी ते असी छोले बना के रखे तो उरली लग गई सी रस्ते जो गोली बनानी छप्परा च तरदे होंगे मुर्दे भी तरदे मझा भी तरद कचलू बने होंगे छप्पर का तो हम प्यास गर्मी से मरना सी असी फिर नाक ही फड़ना नक् फट के तो गोली मूही सुट के ना उ पानी कचलू बो वाला वह नगाना स्पेशल ट्रेन आनी सी कैद आजम साहब ने वो स्पेशल ट्रेन भेजी क्यों पहले जिन्हें भी आई अमृतसर अटारी अमृतसर तो अटारी जगह गई अटारी से वो सारिया उ बढ़िया जा अच्छा कोई नहीं सी बचती रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों मैं यासर मलक से हाजिर होया संताली दी वंड दी एक नवी कहानी लैके साडे नाल एक बहुत ही मोहतरम ते बहुत ही एक साडे अच्छे बुजुर्ग मौजूद ने उनका नाम है सुहाज सूफी अला दिता साहब जलंधरी और जलंधरी और इन्हां नूं गोल्ड मैडल भी मिलिया अपना तहरीके पाकिस्तान की तरफों तो अज असीं इन्हां दी कहानी संताली दी वंड दी कहानी तुहाडे लैके रूबरू लैके आए हैं और इन्हां को सुणांगे पाकिस्तान बनन की कहानी और इस दे नाल इन्हां दे चार भाई जिहड़े पार्टीशन दे विच शहीद हो गए सी और वहां दे घर दे चश्मा चुरा सी जिहड़े बचे सी वंड वेले तरीके पाकिस्तान च इन्हां दा की करदार सी गोल्ड मैडल इन्हां नूं कैवें मिलिया ये सारी गलबात ये सारी कहानी तुहाडे रूबरू लैके आए हैं आओ फिर बजुर्गों नाल गल करिए और इन्हां को संताली की कहानी सुनीए अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी की हाल बुजुर्गो तुहाडा अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा नाम क्या अपना सूफी अला दिता
वालद साहब का नाम गुलाम अहमद। गुलाम मुहम्मद तुहाडे दादा जी का की नाम से? गुलाब। गुलाब गुलाब ते अपनी कौम केड़ी ना तलक राजपूत केड़ी गोत अपनी पट्टी पट्टी गोत तुसी बदामी बाग लाहौर च रह रहे हैं बदामी बाग लाहौर दाता नगर दाता नगर शेरशाह रोड शेरशाह रोड। अच्छा बुजुर्गो पार्टीशन हुई सी पाकिस्तान बनिया सी तुसी तहरीके पाकिस्तान दे एक रुकन दी हसीयत नाल भी काम कीता ताड़ा एक आने वाली नसल ते साड़ी कौम ते एक बड़ा वड्डा आसान आ तुसी पाकिस्तान बनाउण च और इहदी तमीर च अपना घर बार माल जान अपना वक्त बड़ा कुछ कुरबान कीता वा ते साड़ी खुशकिस्मती आ कि बुजुर्ग साडे नाल अज मौजूद ने इन्हां दी जिहड़ी आप बीती आ इन्हां को खुद ही सुणांगे। अच्छा जदों पाकिस्तान बनन तो पहले किहड़े इलाके च तुसी रहिंदे सी? जलंधर शहर महला पक्के बाग शहर की जलंधर शहर की मेरी पैदाइश है। अच्छा चारों तरफ हिंदुओं के मोहल्ले सी ते सेंटर च जिहड़ा साडा वो मुसलमानों का एक मोहल्ला पक्का बाग। अच्छा। बेरिया दर सिंह उतों की मेरी पैदाइश है उत्थे रहिंदे शहडा ते साडे दोवें कचहरियां कंपनी बाग के कोल मेरा। अच्छा अच्छा अरे पूरी पूरी मैनू याद है चंगी तरह उत्थे रहे अरसा दराज को चार पांच महल्ले का साडा घर सी ते मैं खुद जिहड़ा एक कारखाना सी बड़ा वड्डा निगल पॉलिश का या होर लोहे दी चीज़ा बनदिया सी निगल पॉलिश का काम करता सी। अच्छा यह जड़िया सेमिया बटन वाली घोड़िया ना निगल पॉलिश असी करी दा सी। अच्छा ते उस तो पहले ये जो आवाज शुरू हुई है कांग्रेस पहले एक साढ़े को कोठी सी टिका सिंह दी उत्थे उन्हें कांग्रेस का जलसा किया जिसे सानू उदों पता नहीं हुंदा कि पाकिस्तान की हुंदा या किस तरह नहीं हुंदा। मेरे सो एक दो बनोई उधर उन्होंने कांग्रेस जलसे गए ने ते मैं भी गया। अच्छा। जलसे च वो बाद च फिर कैद आजम साहब मुहम्मद अली जनाह साहब ने यह पैगाम दिता उन्होंने अपनी कैद च कि एक असी साडा पाकिस्तान असी इन्हां दा मुल्क बनाना साडी मुस्लिम लीग जमात है सही असी फिर उत्थे कांग्रेस च जाना छड्डता क्योंकि यह साडा ते पाकिस्तान बनाना मुस्लिम लीग। फिर वो बाद उदो अंग्रेज की हुकूमत सी हाली ए पाकिस्तान का ना नहीं सी अंग्रेज की हुकूमत सी ते अंग्रेजा को असी आज़ादी लैनी चाहते सर। अच्छा वो कुछ आज़ादी लैनी तो असी तकरीबन 200-400 बंदा अगे मुस्लिम लीग जमात जो बन गई 200-400 बंदा जिमें कि इतने मार रोड यहोजी सड़क हैगी सी रेलवे रोड असी उत्थे परेड करनी यानी कि 200-400 बंदा अगे लैन च हुंदा सी फिर उहदे पिछे एक खालसा पार्टी हुंदी सी इलामा मशरकी दी खालसा जिन्हां नूं बेलचा पार्टी कहिंदे उहदे पिछे उह हुंदे सी उस दे पिछे एक हुंदे सी हरार पार्टी। अच्छा उह अताउल्ला शाह बुखारी ने मेरा शायद बनाई सी उह भी 200-400 बंदा यानी कि साडे मुसलमान ही उत्थे सारे जुलूस ज़्यादा हो जाते सी अंग्रेज़ों को आज़ादी लैन की खातर हिंदू के पिछे कोई 20-25 धोतियाँ टंगी हैं धोतियाँ टंगी के नाल पिछे राम राम करते लगे तो उसी पंज पढ़ते सी सेहत मेरी यहोजी सी कि जिवें मैं 20 साल का हुंदा क्योंकि भलवानी करता सी। अच्छा अच्छा इन्नी मेरी सेहत अच्छी सी मेरा भरा सी जिहड़े वह चाहते थे कि मैं इन्हां नूं भलवान बनावा किस तरह मेरी सेहत बहुत चंगी सी। अच्छा अच्छा ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਮਾਫ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੋਠੀ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ 1500 ਸਿੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 40-50 ਸਿੱਖ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ
तो साढ़े को कुछ भी नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ ने साढ़े को 2 इंची का चाकू जरा ना वो ममनू करार देता सी, तलाशियां लैके फट के अंदर देते बंद कि चाकू क्यों तुहाडे अंदरों निकलिया, तो उन्हें को कृपाना से क्योंकि उन्होंने अलाओ सी। तो हूँ असी सोचा कि महल वालों ने कि करिए इन्हों चाकूआ ना छोटिया ना या हथा नहीं मुकाबला हो सकता। वो फिर मेरा भरा से जरा बिरछियाँ बना सकते लुहारा का काम करते, उन्होंने एक सन मकान लाता महला पक्के बाग से एक साइड से जरा कि वीरान जहा मकान, वो पिछले अंदर असी पट्ठी ला ली, पट्ठी ला के असी बरछियां बनानियां शुरू कीतियां, वो डांगा लियानियां सोटे उन्होंने अगे बरछियां, असी बाहर आर्मी फिरती होंगी सी पुलिस उन्होंने फिरती होंगी सी, तो बाहर ताला लाता कि अंदर कोई नहीं है, अगर वह सानू देख लैन वह सानू पता नहीं किनिया कि गोलियां ना उड़ान देव भराण। जान हथेली ते रख के, जान हथेली ते कि हुण भी किसी ने बुआ खड़का लिया या किस तरह आ गया सानू उड़ा देना, दोवां नू उड़ा देना। मगर एक जज्बा सी इस्लाम का कि इस्लामी मुल्क बनाना, ये मुसलमाना का मुल्क बनाना, तो कलमे ने ना से बनाना। असी फिर वो बर्चियां जो बनानियां रात नू असी उन्होंने ला गए, तो 40-50 बंदे से मुसलमान जे मुंडे महल के चंगे चंगे जने उन्हें तैयार करना। उधरों एक मूसा खान गवर्नर का भरा साडा अमीर खान साडे महल रहिंदा सी, जिहड़ा कि मेरा उस्ताद भी सी लैदर इंस्टीट्यूट च, मैं उन्होंने को भी काम करता रहा। अच्छा, वो उधरों सी आई डी लिया हुंदा सी कि उन्होंने हिंदुआ सिखा ने किहड़े वेले सानू जथा पैना, वो 40-50 जत्था उधरों आंदा सी, ते उन्हें दसने कि रात दे 1:30 बजे आ रहा है। अच्छा, ते असी इधरों मुंडिया नू तैयार करके 1:15 बजे 40-50 मुंडे तैयार करके ते उन्हां दे इलाके जाके पै जाना, यानी कि अद्धे बच के आने अद्धे शहीद हो जाने। इत्थों तक कि एक मैं वाकया देखिया, इन्ना इस्लाम का जज्बा सी कि मुसलमान साढ़े 2 मार जाना, असी रात नू उन्हां दे 6 मार के सौना, तो फिर सानी दानी इस्लाम का जज्बा इन्ना सी। हुण ते किसी नू पता ही नहीं, भरा भरा मर जाए तो पता नहीं किसी नू कि कोई भरा मर गया। ये सीगा कि मुसलमान मुसलमान वो मर शहीद हो जाता है, तो वह भी तुसी कहने ही नहीं, रात नू बदला लैके तो फिर सौना सी कि जिवें साढ़े सके भरावां कोलों साढ़ा खून मारिया गया। हुण तां अल्लाह माफ़ करे मुख्तलिफ नज़रियात मुख्तलिफ सोचां च बटे होए ने, सानू अज भी एक कलमे ते एक नज़रिए ते जमा होना चाहिए। तो असी उस तो पहले जो कलमे के ना दे सी जो बार नारे मारी दे सी ना परेटा जो रात नू करी दियां सी, ते नारा एहो ही मारी दा सी कि पाकिस्तान बनाएंगे सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये साडा नारा बजदा सी। ते साडे ओ जिहड़े हैड सिरां ते रखे ने दो दो आने दे लैणे फौजी लोहे दे हैड, उन्हां ते लिखिया हुंदा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो असी नारे मारने किसी लिए होना कि साढ़े बंदे उन्होंने डेके चढ़ गए सनी हैड ही गर्दन ला के सुट देंगे। किहड़े स्कूल पढ़ जाते उत्थे? गवर्नमेंट का स्कूल सी, प्राइमरी स्कूल सी। अच्छा, पंजवीं तक रहेगा सी, छेवीं तक वो सामने हरी सिंह की कोठी। अच्छा, साडे इधर साडा गवर्नमेंट स्कूल हैगा सी जिद साडा मोहल्ला सी, सिर्फ एक दो सड़कां दा फर्क सी। ते साडा टीचर जिहड़ा सी ते उहदे मामदीन सी। अच्छा, मामदीन ओ फीम खांदा सी, फीम गाए सुत्ता रहंदा सी, असी घरों रोटी भी खा के आ जाणा ते उहनूं आग जगाईदा सी, मास्टर साहब असी आ गए। अच्छा, ओ नशेई जिहा बंदा सी, सुत्ता रहंदा। उहनूं की पढ़ा? क्लास फैलो कोई याद? क्लास फैलो शबीर खां हैगा सी, ओह हुण फौत हो गया, बस दानिशमंदां दा सी, जिथों दी इमरान खान दी वालदा नी, बस्ती दानिशमंदां दी शौकत खानम जिहड़ी, इह जलंधर बस्ती दानिशमंदां दी रहण वाली है। अच्छा, इमरान खान दी वालदा। ठीक ठीक। ते ओह मेरा दोस्त उत्थों दा रहण वाला सी, शबीर खान दा नां सी। कोई सिख तों वी पढ़दा सी बच्चा कोई तुहाडे नाल? सिख साडा फुटबाल वगैरह खेडदे हुंदे सी सिखां दे मुंडे नाल, असीं इकट्ठे खेडणा। पता नहीं की नाम उहनां दा चेते अज्ज? नहीं, उहनां दा नां नहीं याद हैगा। सिखां नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं सी, इह सिर्फ इहनां ने हिंदुआं ने बणाई है, पैसा दे के साडे मुकाबले ते लिया के जुलम उहनां को कराया। सिख जिहड़े जो प्यार करदे सी उस वेले? हां, इकट्ठे रहिंदा सी। सिर्फ हिंदू जिहड़े सन स्टेशन दे उत्ते जदों छबीलां भी लगदियां सी ना पानी दियां, एक पासे हिंदुआं दी छबील लगी कि साडे, ओह कहिंदे हिंदू पानी, असीं कहिंदे मुसलमान पानी। ते इह ते शुक्र अल्लाह दा कि साडा पाकिस्तान सानूं मिल गया, नहीं ते अगर पानी ओह पलांदे ते गड़वी 2 गज उच्ची रख के सुट दई कि मुसलमान पिट जाए, पिटी जाएगी साडा पानी।
इन्ना सारे तो अल्लाह का शुक्र है कि सानू असी कुर्बानियां नहीं दित्तियां कि आजाद मुल्क पाकिस्तान मिल गया। वाले साहब मेरे आर्मी जे गए सी जर्मन दी जंगां दो ही उन्होंने लड़िया। अच्छा। मेरे वाले साहब ने तो पहले सिपाही से फिर वो दो फीते वाले हवालदार के नायब की कहते हो गए तो अखीर तकर उन्होंने आर्मी दी जंगां लड़िया फौजी गए सी। संताली तो बाद संताली संताली भी उन्होंने जंग लड़ी है। संताली इतने ही हुई जलंधर छोनी जो पार्टीशन हुई की होया पाकिस्तान बनया वो दसो थोड़ा कि वह पाकिस्तान ये बनया कि रात को सानू रात के बारह कर्फ्यू लगते होंगे सी ब्लैक ऑफ भी होंगे होंगे सी उत्ते जहाज वगैरह आते होंगे सी जो अंग्रेजा ना जर्मन की लड़ाई सी ते वाले साहब साढ़े उदो छुट्टी से भी शाम को आ जाना घर कोल छोनी सी ते उन्होंने रात में सानू परेटा करानियां घर चो मुंडिया नू कढ़ लिया चल भी तुम्हें आ तुम्हें आ कोई 40-50-100 बंदा लैके ना नेरे च असी परेटा करनियां सिर्फ लालटन बलदियां होंदियां लालटन गली दे मोड़ ते लालटन बल जानी बस किन्ना कि चानन हो जाना उहदे सानू परेटा करानियां ते दिन नू असी जिवें मार रोड नहीं एवें रेलवे रोड सी जलंधर स्टेशन तो उत्थे फिर असी परेटा करनियां कि पाकिस्तान बनाएंगे। जो पार्टीशन हो गई वंड पै गई घरों कैसे निकले हो की होया घरों तुसी कैसे घर छड्डिया वो गल सुनो। हाँ ये मेरे को सुनो जदों मैं कारखाने गया सी इत्थे काम करदा सी निगलवाड़ी दा किहड़े कारखाने काम करदे थे उत्थे नवाब ठप्पेगर दा कारखाना सी। अच्छा नवाब ठप्पेगर। अच्छा इक्को ही कारखाना बड़ा वड्डा सी ते उत्थे ते मैं उत्थे बैठा काम कर रहा ते उन्होंने कहा भी घरदियां मैं समान बना के आया अपनी मावा भैन तीन भैन से वालदा से समान बना के मैं आया तो उत्थे मैं आवाज आई है जो वापस मैं कारखाने आया थोड़ी देर बाद एक घंटे बाद आ गया जी पाकिस्तान जरा लाहौर से करे जो पता लगे लाहौर से करे फिर वो जी साडे मुसलमान से ना थाने सफाई उन्होंने उन्होंने भी फर्क करता। अच्छा आर्मी भी उन्होंने पुलिस भी हिंदुआ दी उन्हें फिर जो कतलो गारत शुरू की थी ना मल्या च हिंदुआ ने। अच्छा तो फिर शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने जान बचा ली असी फिर उतों उत्थे आली महला सी काली महल च जाके ठहरे हैं उतों फिर असी जदों आए हैं इतो कैद आजम साहब ने मोहम्मद अली जनाब साहब ने साले ट्रक भेजे ने कि ट्रकों च लैके आओ वो सानू छौनी लैके आए जो ट्रक च बहन लगे तो मेरी वालदा चढ़न लगे डिग पई है उसकी एक लत ते चूला टुट गया। अच्छा ट्रक चढ़न लगे। हाँ वो चढ़ते पैसे हूँ ट्रक चलाता। अच्छा तो टुट गया तो उसके बाद फिर वो चीका मारन जो मर्जी तकलीफ किन्नी तो कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं जेड़ा बाहर निकलता जो वाले उसकी गर्दन ला दें तो रस्ते च फिर जाने एक जगह ट्रक थोड़ा रुकया उत्थे मैं उतर के देखा जो मेरे ताया जी जेडे ना उत्थे शहीद होए पाए थे पानी डुलाया थी पानी चो शहीद होए पाए थे मैं वो फिर अगे जा के ना ये उतो ट्रक च उतरे अगे जा के मैं देखा तो मेरा ताया ही सी ते फिर सानू छौनी लै गए छौनी फिर सानू उतो छौनी तो लै ने जलंधर स्टेशन के उत्ते। अच्छा जलंधर स्टेशन से जो आए ना तो गड्डी साड़ी भरी भर गई थले भी तो उत्ते भी दुनिया बैठी ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਭੇਜੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਟਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਅਟਾਰੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਟੇਨ ਗੰਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ तो जलंधर स्टेशन की पहले तो मैं गल सुना गड्डी खड़ी है तो सिख आए आ 10-12 सिख आए उन्होंने आन के ना वो जड़िया जवान जवान कुड़िया ना उन्होंने बाँह फड़ खिंचनिया शुरू कर दी। अच्छा तो जिदी माँ ने कहा हाए मेरी धी ना कुछ कही उन्हें उन कृपान मारी है वह पेट चा करता जे किसी प्यो ने फड़िया उन्होंने भी उत्थे मारदा तो हम सब लोग सहम गए कुरान पाक कढ़ लै पढ़ना शुरू करता अस भी अज कोई 10-15 कुड़ियां दे मेरे सामने खिंच के ले गए ने चीका मार दियां खिंच खुच के ले गए ने कि जिहड़ियां अज उन्हां दे घरां च सिखां दे बच्चे जम रही हैं ये है साडा पाकिस्तान जिन्नी मुश्किल बनिया अखां दे सामने जिहड़ी मैं गल्लां देखी वो मैं दसदा पिया ये नहीं कि किसे सुनिया जिहड़ियां जवान जवान ते मेरियां भैणां कोई ज़्यादा
अल्लाह ने उन्होंने बचा लिया। उम्र सीधा सी उत्थे ही शादीशुदा सी जलंधर च, जलंधर ही शादीशुदा सी। तो कुरान पाक पढ़ लिया के हूँ भी है तो अल्लाह का शुक्र होया। तो फिर गड्डी चलनी शुरू हुई तो सानू जगह मिली सी उत्ते, भैं मेरी वालदा थले जिस लत टुटी सी, तो मैं ते मेरे अब्बा जी ते भनोईए मेरे सी उत्ते छत बैठे कि जी उत्तों भी फुल हुई सी गड्डी, छत भी भरी सी, छत ही भरी। वो फिर आन के अमृतसर हो गए अटारी रुकी है। अच्छा मगरब के टाइम से कि हूँ इन्होंने चारों पासे सिख लुके से बुझे से कि जरा नेरा हो गए तो इन्हें वढ़ दईए, तो उत्थे रुकीए। तो सिख गए ड्राइवर वो कहता महाराज गड्डी खराब हो गई है, इंजन वो होंगे जो छका पिक छक पोले वाले पुराने इंजन, पुराने इंजन वो कहते खराब हो गई है। तो मैं भी उत्तों रस्सा बने होंदा सी ते मैं उतर आंदा होंदा सी देखना की, मैं भी इंजन दे कोल काफ़ी देर हो गई, मैं उतर के देखिया तो आर्मी वाला खड़ा उन्होंने कहता कि इन चला सरदारा चला, कहता महाराज ये खराब हो गया इंजन ये नहीं चाहे, क्यों कि जरा होर नेरा हो साडा च बुझ सिख लुगे सी कुरबाना लै के सारी गड्डी साफ कर दी। सही ते घरदियां उत्थे भी सारिया ने कुरान पाक पढ़ लिया हत्था ही फड़ लै पढ़ने शुरू कर, तो हूँ भी है हूँ भी नहीं है। अच्छा क्योंकि गड्डी च रहन कुछ नहीं देते, सब बच्चे तिकर वड़ देंदे सी, यह हालात से ये हालात से ना औरत ना बच्चा कोई नहीं बचता, एक वाहद वो गड्डी जी बची सी। इस तरह कि उन्हें कहा सरदारा चला, वो कहता जी मैं खराब हो गई, कहता अच्छा मैं तीन तिकर गिना गा, अगर तीन तिकर ना चलाई तो तेन मैं गोली मार दे, दो तीन कह लगा, कहता महाराज मैं चलाना मैं चलाना। वो चढ़ गए उत्ते उन्हें गड्डी चलानी शुरू करती, तो जान च जान साढ़े आई, जान च जान आई कि जो तो चलीए अटारी तो जलंधरों अमृतसरों अटारी स्टेशन पहले अटारी आता फिर अमृतसर है इधरों जाओ। तो बाकी कैद आजम साहब ने माशाला अल्लाह उन्होंने जन्नत फरदोस च मकान देवे, जो उन्होंने किया ना हो सकता कि ना गड्डिया भेज के मकान दे तो सानू उत्थे ही खत्म कर दे। अच्छा तुसी जो लाहौर आए वाल्टन लोगों ने वाल्टन कैंप, वाल्टन कैंप जो आए सी तो कहो जहाँ तुहाडे नाल बरताओ सी, मुसलमानों ने किन्ना अच्छा सलूक किया तुहाडे नाल जो तुसी आए, या कैंप खाना छाना मिलिया था? हाँ जी बाल्टन कैंप जो आ गए गड्डी खड़ी हुई ना, हाँ जी तो वो बाल्टियाँ दाल पा के ले आए सी, दाल ते रोटी बाल्टियाँ हथे पड़ी है, दाल दे रहे पा के दे रहे रोटी दे उत्ते, ते साडे लई ये है कि जिवें सानू जन्नत चो खाना मिलिया, क्योंकि जदों पिछे गए सी ते असीं छोले बना के रखे तो उरली लग गई सी रस्ते जो गोली बनानी छप्परां च तरदे होंगे, मुर्दे भी तरदे मझां भी तरदियाँ, कचलोऊ बने होंगे छप्पर का, तो हूँ प्यास गर्मी से मरना सी, असी फिर नाके ही फड़ना, नक फड़ के तो गोली मूही सुट के ना उही पानी कचलोऊ बो वाला वो नगाना, तो जान इस तरह बचती रही है। अच्छा छप्पर गंदा पानी पीना इन्नी प्यास की शिद्दत होंदी सी, मैं इंज पाकिस्तान बनता वेख्या वा एडे तकलीफा नाल कि देखो ना एक गंदा पानी असी आम तौर पर एक छोटा जा खारे का पानी नहीं लोग पीते ज्यादा, सही तो उसने जड़ा जे मुर्दे मरे पे लाशा वो पानी सामने पईयां, मझा भी बिचे मरी हैं बिचे बंदे मरे, तो तुसी वो पानी पी रहे हो? वो पीता क्योंकि की करना, हल्क नहीं हल्क नूं तो गिला करने सी ना, सही तो नग फट के उन्होंने अपना पानी सुट के उस तरह फिर उत्ते आ गड्डी चढ़ जाना। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਕਰਪੂਸਲੇ ਬਈ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ। ਅਤੇ ਕਰਪੂਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਕਰਪੂਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ? ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਕਰਪੂਸਲੇ ਗਏ ਜਾਮੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਮੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਕਰਪੂਸਲੇ ਦੀ? अच्छा उत्थे मेरिया भैन भी आई, तो भनोईए मेरे करते राजे को काम करते पोस्टमैन सी, तो राजे ने बड़ा साथ दिता सी मुसलमानों का। बाकी ये है कि जेड़ा असी रस्ते ज तकलीफ कट्टी इन्हें जिंदगी चो असी भुल नहीं सकते, तो भरावान दहादतं तो जिंदे भरा तो असं इतने भी लभदे रहे हैं, कितने नहीं लभा सारे अखबारों च दे अखीर पता लगा कि सही एक बंदे ने दसिया जेड़ा कोई ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ
एक बिल्ला रहा कि संत नगर असलम खान असलम खान रहा उन्हें दसिया कि यार वो तो सिखा ने उत्थे मार दिता सी गले पहले उन्होंने रुमाल दे के लपेट के बाद चो बहुत दलेर सी भरा मेरा भी पंजा बंद समझते कुछ नहीं एडा दलेर है सी उन्होंने धोखे न ले जाके मारिया गया। अच्छा बाकी तीन भरा वो कि मारे गए वो बस जे रात जाते उन्हें जी एक बली मुंडा सी जी वह बड़ा दलेर से इस्लाम का इन्ना जज्बा सी वो एक दिन गया तो बड़शी सारी विंगी हुई तो खून ना भरी तो असं उन्होंने कहा कि हो विंगी करके कितों लै आया क्योंकि लोहा तो पक्का लभदा नहीं कच्चा लोहा हुंदा सी ते वो कहिंदा कि की मैं तुहानूं दसां एक नूं मैं मारी ना हिंदू नूं बरछी मारी है तो कहिंदा अंदर जाके उहदे हड्डी च फस गई है कहिंदा मैं पैर रख के तो उहनूं खिंचे ना जदों तो उहदियां आंदरां भी कहिंदा नाल ही आ गईआं कहिंदा मैं झाड़ के तो हुण लै के आया इन दोबारा कर दिओ वो फिर दोबारा वो कहिंदा फिर मैं जाना फिर उहनूं भेजिआ वो तीनों दफे बच के आ जांदा रहा बड़ा जवान हैगा सी ते अल्लाह दी रहमत सी इन्ना जज्बा सी इस्लाम दा कि इस्लाम के नाँ से सारा कुछ बने मैं ये कहना कि जेडे अपना नौजवान नस्ल है यू की हो तो बर्बाद हो रही है इन्हों कोई पाकिस्तान का पता नहीं किस तरह बनया किस तरह नहीं बनया इतने जाके देखो पान वाली दुकाना तो रश हो तो दुध आ दही दुकान पर जाओ तो बेचारा 20 रुपए कोई दही लैन आएगा मसा ही तो नहीं तो पक्षियाँ चल रहे हैं पान सिगरट के पिछे इन्ना दुआले तो एननिया पिनिया एननिया बाहवा तो स्टूडेंट ने सिगरट पी रहा तो देख के दुख आता कि यार ये असी पाकिस्तान बनाया सी योजना सेहत लिए बनाया सी कि यह सेहत इन्हों की है दुख आता तो इस करके गौरमेंट को चाहिए कि इधर तवज्जो देन जी आने वाली नस्ल है ना उन्होंने तो सवार देन। अच्छा बजुर्गो ताडे जो चार भाई नहीं मिले ताडी वालद वालदा दे की तासरात होंदे सी वो बस एक जमीन ते ही सौंदी रही सारी उम्र कि मेरे जेडे बेटे वो जमीन ते ही है वो कभी मंजी ते आज तक सुते ही नहीं सी उन कही दसी कहंदी नहीं मेरे बेटे लाल मेरी जमीन ते जिस मां दे चार लाल ये बयान कर दे मेरा गला घुटे जांदा जो मेरा वालदा भरा अखा गया दिन तो मेरा गला घुटे जाता अखा गए उन्होंने मैं शहादत ही नहीं देख सकता खुशी रोईदा सी रोईदा सी जारदा रोजे कि मेरे भरा कितने है वह कहती अल्लाह को चले गए इस खिते तो मुल्क तो लाए लाए लाला मुहम्मद रसूलुल्लाह बन वाले मुल्क तो कुर्बान हो गए कुर्बान हो गए। अच्छा चार भाई मुड़ के उन्होंने नहीं देखा तुसी सी गए वालदा दे कोल बाहर वालदा मैंने ही प्यार कर दी थी वालद भी मैंने प्यार करता सी वो भरा के जेडे जलंधर शहर च मने सी उन्हां दे डर ना हिंदू साडे महल्ले चो नहीं लंघदे हुंदे सी ते पहले उन्होंने वो विच कईआं नूं बेईमानी नाल मंगवा के मरवाया बड़ी एक वड्डी जुद्दोजहद कुरबानी तो बाद खिता बनिया वा ते बजुर्गो तुसीं अज दी साडी नसल जिहड़ी आ पाकिस्तान बन गया तुहाडे चार भाई शहीद होए एक बड़ी वड्डी कुरबानी तुहाडे वालदां दा बड़ा हौसला तुहाडे वालद दा बड़ा हौसला ते एडे वड्डे दुख दे उत्ते सबर कीता उन्होंने तुसीं साडी नसल नूं की सुनेहा दिंदे आ इस पाकिस्तान इस खिते नूं किवें संभालिया जावे इहनूं किवें इहनूं तरक्की दी राह ते पाया जावे। देखो सब तो वड्डी चीज़ है कि गरीबां नाल प्यार करने जिहड़े बेचारे रोटियों तंग बैठे ने पाकिस्तान ना मुहब्बत सही वो ही है कि जेड़ा माड़ा बंदा गरीब है भुखा दुखा ना बैठे ने ते नाल दे अपना जरदे पला खा रहे ने ते टिक्के कबाब खा रहे ने ते ए वो बेचारा भुखा बैठा है उन्हें गल च कपड़ा नहीं पूरा उन्हें गरीबों का ख्याल करन ते फिर समझांगे इन्हू पाकिस्तान ना मुहब्बत है सही अपने बंगले ना बनाने सिर्फ वो गरीबों का ध्यान रख वो भी तो है ने जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो इन्ना कुछ किया तो बेचारे रुलते पे है। मैं कहना कि पाकिस्तान जरा ना बड़ी मुश्किल मिले है ये कोई सानू अल्लाह वास्ते नहीं मिले है वो प्लेट च रख के नहीं किसी खुदा वास्ते दिता ये बड़ी मेहनत बने है ये जी जवान नस्ल है ना या आने वाली जो छोटे छोटे भी है उन्होंने तुम कहो कि पाकिस्तान को संभाल के रखना ये तो कोई भी कुरबानी हो दरेग ना करना देन तो आवाम तो फौज के नाल पूरा साथ देना तो इस मुल्क नूं तरक्की देना इस मुल्क का ये ताड़ी किस्मत चंगी है जो कि मुल्तान उ हाल होना थी जो कश्मीर चो मुसलमान का कर रहा है।
सही सही ठीक है बिल्कुल बुजुर्गो ख्याल है कि अपना रल मिल के रहो प्यार मुहब्बत ना रहो और अपनी जिहड़ी फौज आ और आवाम आ रल के एक प्लेटफार्म से हो के इस मुल्क का दिफा करे बिल्कुल तो सब जिन्हें भी नज़रिए आ हर नज़रिए तो पहले सिर्फ पाकिस्तान एक नज़रिया होना चाहिए था। हर नारे तो पहले पाकिस्तान कौमी नारा होना चाहिए पाकिस्तान है तो सब कुछ है हाँ। पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं है इस करके सब तो पहले पाकिस्तान का सोचो ये वास्ते मेहनत करो ये कुर्बानी कोई देनी में पवे तो पिछे ना हटो क्यों असी लोग नहीं हटे सही गल असी लोग नहीं हटे पूरी कुर्बानियां दी खानदान कुर्बान किए ने ते तुसी भी ना हटना बिल्कुल जी देखो मैं अगे भी अक्सर इंटरव्यू करी दे असी के तुसी चार भाई कुर्बान करके लोगों दी कुर्बानियां अज भी हौसले बुलंद ने उन्होंने तो सानू भी किसी कुर्बानी तो किसी अपनी जो भी साढ़े मुल्क वास्ते सानू जरूरत है सानू उत्थे पूरा उतरना चाहिए वा बुजुर्गों का एक बहुत ही अच्छा सुनेहा वा कि रल मिल के रहो इस खेते की हिफाजत करो और इन बुजुर्गों की भी असी अपना जो इन्हों की काविश आ जो उन्होंने कुरबानी असं उन्होंने सलाम पेश करते हैं ये बुजुर्गों को अपना तहरीके पाकिस्तान वालों गोल्ड मैडल भी दिता गया इन्ह की आला कारकरदगी की वजह तो अल्लाह ताला इस खिते कयामत रखे ऐसे सुनाए दे नाल अपने वीर यासर मलिक को इजाजत दियो फिर मिलेंगे नवी कहानी के नाल एक नवे बुजुर्गों के नाल जिंदे वास्ते रहो जी रब रखो।